नमस्कार, मूव मीडिया देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की कुछ दिन पहले ही अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद लगातार बिहार सरकार और बिहार पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई इतना बड़ा नेता और अधिकारी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता को पूछने वाला कौन है। वहीं इस मामले को लेकर जमुई के सांसद चिराग पासवान भी एक्शन में आ गए हैं और कल शाम को उन्होंने कटिहार जाकर शिवराज पासवान के परिजनों से मुलाकात की। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं या कटिहार की तस्वीर है, जिसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि शिवराज पासवान के परिजन बिलख बिलख कर रो रहे हैं और चिराग पासवान उनका आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिवराज पासवान की हत्या से 3 दिन पहले चिराग पासवान कटिहार गए थे। कटिहार में शिवराज पासवान ने चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया था, लेकिन 3 दिन बाद ही शिवराज पासवान की गोली मारकर देर रात हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद चिराग पासवान ने इसको लेकर सवाल भी खड़ा किया और तुरंत ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि बिहार में दलित नेताओं और ख़ास करके लोजपा के जो नेता हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है और इससे साफ साफ दिखता है कि बिहार सरकार और बिहार पुलिस पूरी तरह से फेल है। पहले यह वीडियो देखिए कि किस तरह से चिराग पासवान शिवराज पासवान के परिजनों का आंसू पोंछ रहे हैं। आपने देखा कि चिराग पासवान कैसे शिवराज पासवान के परिजनों का आंसू पोंछ रहे हैं और इस दुख की घड़ी में परिवार वालों का ढाढ़स बढ़ा रहे हैं और रहने की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान आजकल बिहार यात्रा पर निकले हैं, जब से उनकी पार्टी दो
भागों में बिखरी है, तब से लगातार चिराग पासवान जमीन पर उतरे हैं और कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। और जिधर भी कोई भी घटना घट रही है तो चिराग पासवान सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं। आपने जो यह तस्वीर देखी बहुत ही दुख देने वाली तस्वीर थी, और इसको लेकर आपको बता दें कि बिहार के जो विपक्षी पार्टियां हैं खास करके राजद, वो भी एक्शन में है और लगातार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस हत्याकांड में कई बड़े लोगों का नाम भी आ रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं, वो भी कहा जा रहा है कि कटिहार जाएंगे और शिवराज पासवान के परिजनों से मुलाकात करेंगे। लेकिन यह चिराग पासवान का सबसे पहले वहां पे पहुंचना यह दर्शाता है कि चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर काफ़ी एक्शन में रहते हैं और काफ़ी सुनते हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान ने लगातार नीतीश सरकार और बिहार सरकार पर हमला बोला है, और अब यह देखना होगा कि शिवराज पासवान के परिजनों का इंसाफ कब तक मिलता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।